हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नई नई मोटिवेशन से भरी वीडियो। और जानते हैं हम ऐसे लोगों के बारे में जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेटर का काम करते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक इंसान के बारे में जिनका नाम है सुंदर पिचाई। भारतीय मूल निवासी सुंदर पिचाई गूगल भारत के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। सुंदर पिचाई का मूल नाम पिचाई सुंदर राजन है। उनका जन्म 1972 को चेन्नई में हुआ था। तो चलिए जानते हैं गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के सक्सेस रूल के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई नई मोटिवेशन से भरी वीडियो से अपडेट रहने के लिए। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई का पहला सफलता का मंत्र है भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में योजना बनाएं। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसका सीधा असर आपके आने वाले भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए हमेशा बदलाव को एक्सेप्ट करें क्योंकि वो दुनिया बदलती रहती है, और भविष्य के बारे में सोचकर आगे बढ़ें। एंड्रॉयड आज बहुत लोकप्रिय है, पर सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही इसकी कल्पना कर ली थी। जब आप भविष्य की कल्पना कर लेते हैं तो आप और लोगों से एक कदम आगे होते हैं। उनका दूसरा सफलता का मंत्र है अपने सपनों का पीछा करें। हम सभी के जीवन में लक्ष्य होते हैं और हम कुछ पाने, बनने या होने का सपना देखते हैं। आपके सपने छोटे हो सकते हैं या उन्हें पूरा करने में वर्षों लग सकते हैं। हो सकता है कि आपके सपने हमेशा आसान ना हों, पर आप केवल बैठे बैठे और इसके बारे में सपने देखने के द्वारा ही कभी भी दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आपको एक दृष्टि, ध्यान और योजना बनाने और महीनों तक, सालों तक ध्यान केंद्रित करने के तरीके सीखने की ज़रूरत है। आपके सपने तक पहुंचना कठिन हो सकता है, पर संगठन, प्रेरणा और आत्म अनुशासन के साथ आप इसे कर सकते हैं। सुंदर पिचाई कहते हैं कि आप अपने सपनों का पीछा तब तक करते रहें जब तक वो पूरे ना हो जाएं। उनका अगला सफलता का मंत्र कहता है कंफर्ट जोन को छोड़ दें। आप जैसे हैं और जो कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं। सुंदर पिचाई कहते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। उनका अगला नियम कहता है विचारों की शक्ति के बारे में। विचार बहुत मायने रखते हैं, पर पूरी दुनिया में जितनी भी महान खोजें और बदलाव हुए हैं वो पहले केवल एक विचार ही थे। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करने वाले हैं वो आपके विचारों के कारण ही हैं, इसलिए विचारों की शक्ति को पहचानें और अपने अंदर महान विचारों को जन्म लेने दें। आगे वो कहते हैं जोखिम उठाओ। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। जोखिम लेने में सहज रहें। जैसा कि जैक कैनफील्ड ने कहा है, जो आप चाहते हैं वो आपके डर के दूसरी तरफ है, इसलिए अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो जोखिम उठाना पड़ेगा। अगला नियम कहता है कि आशावादी बनो। हमेशा आशावादी रहना चाहिए। अपने काम के प्रति भावुक रहें। आसपास की सभी चीज़ों को भूल जाओ। सकारात्मक रहो और काम के प्रति आश्वस्त रहो और धैर्य रखो। जब आप कुछ करते हैं तो वो आपको उस चोटी पर लेकर जाएगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आप एक सफल व्यक्ति होंगे। अपने भविष्य को लेकर आशान्वित रहें। इसके अलावा वो कहते हैं कि आविष्कार करते रहें। नई चीज़ों का आविष्कार करें ताकि आपको बढ़ने के नए उपाय मिलें। सुनिश्चित करें कि आप भविष्य के लिए एक महान हिस्सा बन जाएं। तो ये थे विचार गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के, जो कि सफलता के मंत्रों की बात करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।